हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर दीपिका फ्रॉम राणा हॉस्पिटल सर हिंद। आज मैं एक बहुत ही, जैसे आप सबको पता है कि COVID-19 का टाइम चल रहा है, उस टाइम में हर पेशेंट, हर लेमैन, हर बंदा बहुत ज़्यादा एंशियस है। क्या सरकमस्टांसेस हैं, कैसे होगा, ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कैसे बीमारी फैलेगी, क्या गवर्नमेंट के मैनेजमेंट्स हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे माइंड में आती हैं। ये सब नेचुरल हैं। अगर कोई भी पेंडेमिक आता है, अगर कोई भी बीमारी आती है, तो ये सब बातें हमारे दिमाग में आना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात प्रेग्नेंट लेडीज़ के केस में है, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हैं कि क्या इस बीमारी का हमारे बच्चे पे कोई असर होगा। उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो हमें कौन मैनेज करेगा, क्या हमें कोई हरासमेंट तो नहीं होगी, इसमें हमारी क्या सेफ्टी रहेगी, हमारी प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी, क्या प्रॉपर मेजर्स अडॉप्ट की जाएंगी एंड ऑल दैट। ना सिर्फ लेडी बल्कि सारे फैमिली मेम्बर्स कंसर्न हो जाते हैं, चाहे वो अर्ली प्रेगनेंसी हो, मिड प्रेगनेंसी हो या टर्म प्रेगनेंसी हो। तो उसके लिए मुझे लगा कि मेरा आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी वैसे ही नॉर्मल चल रही है, आप किसी भी टाइम हमें इमरजेंसी में, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, अनलेस अंटिल कोई इमरजेंसी नहीं है, आप हॉस्पिटल प्लीज़ मत आइए, आप फ़ोन पे हमारे साथ कंसल्ट कीजिए। आपकी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉपरली एक्चुअली क्या है कि 18 वीक पे, 20 वीक पे, देन 28 वीक पे और फिर 36 वीक पे, इसी टाइम पे ही हम सिर्फ चेकअप कर सकते हैं। हमको अनड्यू हॉस्पिटल विजिट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस, क्योंकि सरफेस कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस, ये बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इन केस अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे टेलीफोनिकली बात कीजिए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। और बिल्कुल भी अपने दिमाग में से किसी भी तरह की चिंता को निकाल दीजिए कि मेरी वजह से कहीं के बच्चे को तो नहीं कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप प्रॉपरली सेफ हैं, प्रॉपर तरीके से आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, सब कुछ खाइए पिए नॉर्मल, पर प्रॉपरली वॉश करके, हैंड वॉश करिए, जो जर्नल गाइडलाइंस हैं दी हुई कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है नॉर्मल किसी भी बंदे के लिए। और बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपकी वजह से आपके बेबी को कुछ हो जाएगा या इस वायरस की वजह से आपको कुछ हो जाएगा, आपकी बेबी को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डिलीवरी नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, इसमें प्रॉपर मेजरमेंट प्रिकॉशंस ली जाती हैं, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। और वैसे भी सब डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए हर टाइम अवेलेबल हैं। तो टेक ड्यू केयर ऑफ योर सेल्फ, और कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।